जी अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कट लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेंट अप बार की इन एक्सेल। इससे पहले हम मैनुअल कैलकुलेशंस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम स्लैब का बीबीएस कर रहे होंगे तो वहाँ पे बेंट अप बार है और मैनुअल कैलकुलेशन इज़ बिट हार्ड। आपने देखा होगा अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो वहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशन टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, और एक्सेल में हमने सिर्फ डाटा को इंटर करना है, जिस तरह हम डिफरेंट जो स्टिरअप्स हैं वो फाइंड आउट कर चुके हैं एक्सेल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाजमी आपने वो वीडियोस देखनी है। और इसके साथ जो मैनुअल कैलकुलेशंस हमने की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक्स आपको पता होंगी तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को इंटर कर सकेंगे। तो बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियोज़ लाजमी देखनी है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्सेल में हमने सिर्फ डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है, ठीक है, और हमारे पास फाइनल लेंथ आ जानी है क्विकली। ये मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि हमने एक्सेल में किस तरह से करना है। और नेक्स्ट हमने बीबीएस करना है स्लैब का, जब वहाँ पे हमारे पास है बेंट अप बार्स, ठीक है। तो बेंट अप बार के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक्सेल में बेंट अप बार की कट लेंथ फाइंड आउट करना आनी होगी, तो फिर ही आप जो बीबीएस है वो क्रिएट कर सकेंगे एक्सेल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी मदद करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पे लाता रहूंगा। नेक्स्ट टू इट, अगर आपने मेरी वेबसाइट नहीं विज़िट की तो आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं academies.com, वहां पे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट लेंथ फाइंड आउट करना एक्सेल में। ओके, मैं आ गया यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंट अप बार को, जिसकी हमने मैनुअल कैलकुलेशंस की थी वैसी बेंट अप बार यहाँ पे भी है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किए हैं। और सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को ऐड करना है इन आर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कट लेंथ ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे डाटा हमने नहीं पुट किया, तो हमने डाटा को पुट करना है और टोटल वैल्यूज़ हमारे पास आ जानी है, ठीक है। अगेन आई रिपीट हियर कि अगर आपने मैनुअल कैलकुलेशंस को नहीं देखा, नहीं अंडरस्टैंड किया, तो आप जाएं पहले मैनुअल कैलकुलेशंस फार्मूलाज़ को अंडरस्टैंड कर लें, फिर यहाँ पे आना है आपने, ठीक है। तो ये तो है डबल एंड पे जो बेंट होता है वो बार है, लेकिन स्लैब का जब हम बीबीएस कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह की बेंट अप बार्स होंगी, हुक होगी, वन एंड पे बेंट होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास हुक भी नहीं होगी, L/5 की वैल्यू होगी, फिर बेंट होगा और सीधी बार। लेकिन अगर आप बेसिक्स आपको पता है इस तरह की बेंट अप बार की, आप अगर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं तो देर इज़ नो एनी डिफ़िकल्टी कि आप किसी तरह की बेंट अप बार हो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो बेंट अप बार्स हैं बेसिकली, ये हम जब स्लैब का बीबीएस कर रहे होंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। आप बेसिक्स चीज़ों को समझ लें। यहाँ पर करना कुछ ये है कि आपने यहाँ से डाटा को इंटर करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने थिकनेस ऑफ स्लैब ऐड करनी है, इट कुड बी एनी थिकनेस, यहाँ पे मैं थिकनेस ऑफ स्लैब 150 ऐड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपने कंक्रीट कवर जो आप स्लैब में यूज़ कर रहे हैं वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। इट कुड बी द फाउंडेशन एज वेल, देखें थिकनेस ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ फाउंडेशन भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मैं स्लैब की बात कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास दो सपोर्ट्स हैं। और आप सपोर्ट को रिमूव कर लें यहाँ पर और आपके पास कट लेंथ आ जानी है बेंट अप बार की, अगर आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं कि फाउंडेशन में हम बेंट अप बार की जो कट लेंथ है एक्सेल में वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी यहाँ पे आपको डेमो दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंक्रीट कवर 15 mm हम ले रहे हैं और डाया बेंट अप बार इट कुड बी एनी, बट आई एम गोइंग टू एड हियर 12 mm। सो बेस्ड ऑन दिस आप देख सकते हैं एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। जो एच हमने कितनी चीज़ें करके हमने एच को फाइंड आउट किया था, मैंने आपको कैसे समझाया था, यहाँ पर डायरेक्टली आप देखें तीन वैल्यूज़ को आपने इंटर किया, एच की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टू इट आपने इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्लियर स्पेन को ऐड करना है, ठीक है। क्लियर स्पेन क्या है, दो स्पोर्ट्स के दरमियान जो स्पान होता है, डिस्टेंस होता है, उसको क्लियर स्पेन बोलते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ 1800, हिट इंटर कर दें तो यूँ ही मैंने इसको अपडेट किया तो आप देख सकते हैं क्लियर स्पेन यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये दो स्पोर्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। इनकी वैल्यू को भी आपने ऐड करना है यहाँ पर, तो वैल्यूज़ देखिए क्रैंक लेंथ तो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 2 × 0.42 × h, 2 क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, देखिए ये भी है और ये भी है, 0.42 मैंने लिया क्योंकि ये 145 डिग्री का बेंड है। अगर आपके केस में डिफरेंट बेंड है तो आपने यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है अकॉर्डिंगली, 0.27 भी कर सकते हैं आप अगर बेंड डिफरेंट है तो, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो
आपको नहीं समझ आनी है। नेक्स्ट इट ब्रेथ ऑफ बी वन और बी टू को आपने ऐड करना है यहाँ पे, और बी वन लेट्स सपोज इट इज़ 300, दोनों एक ही हैं, 300 हमने दोनों को ऐड किया, तो देखें ब्रेथ आ गई है, वैल्यू आ गई है यहाँ पे बी वन की, बी टू की वैल्यू आ गई है, क्लियर स्पेन आ गया हमारे पास। कंक्रीट कवर आपने यहाँ पे ऐड करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ भी आपने ऐड करना है, ठीक है। और देखें बेस्ड ऑन दिस आपके पास बेंड लेंथ आ गई है, और बेंड लेंथ की जो वैल्यू है, ये जो बेंड लेंथ है ये 12D मैंने ली है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। तो देखें ये बेंड लेंथ की वैल्यू हो गई, और बेंड डिडक्शन 45° और 180°, ये दो जो हुक्स हैं ये 180° की हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने बेंड डिडक्शन की है 2×4× डाई ऑफ बार, ठीक है, 4D आएगा ना, दो हुक्स हैं दिस वन एंड दिस वन, और 45° के बेंड है वो कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सो 4× डाई ऑफ बार। तो ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, और बेस्ड ऑन दिस कट लेंथ फाइंड आउट हो चुकी है, दैट इज़ 2604.72 mm मीन 2.60 मीटर। तो देखें कितने आसानी से हमने ये कैलकुलेशंस कर लिए यहाँ एक्सेल में, इजी था ना, लेकिन इजी तब होगा जब आपको मैनुअल कैलकुलेशंस बेसिक्स आएंगी, तब आपको इजी होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जिसमें हमने बेंड डायरेक्शंस को डिफ़ाइन किया था, हमने कट लेंथ ऑफ डिफरेंट बार्स को डिफ़ाइन किया था, तो ये यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आनी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वो वीडियो सीख लें। इसके साथ ये डबल एंड पे बेंड था, और इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वन एंड पे बेंड है, फिर हमारे पास क्रैंक लेंथ है और स्ट्रेट शेप है, यहाँ भी आपने सेम ही करना है। आपने क्या करना है, यहाँ आपने स्लैब की थिकनेस को ऐड करना है, कंक्रीट कवर को ऐड करना है, डाया बेंट ऑफ बार को ऐड करना है, बेस्ड ऑन द ये एच कैलकुलेट करेगा, फिर आपने क्लियर स्पेन को ऐड करना है यहाँ से, ठीक है, दो सपोर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, क्रैंक लेंथ जो है वो यहाँ पे आ जानी है बेस्ड ऑन दिस डेटा, फिर आपने बी वन और बी टू की वैल्यू को ऐड करना है, कंक्रीट कवर को ऐड करना है, और बेंड जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, ठीक है, 14×D ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो आपने यहाँ पे उस वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, फिर आपने बेंड डिडक्शंस यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपके पास वैल्यूज आ जानी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बेंड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन L/5 की वैल्यू, L/5 क्या, हम जब BBS कर रहे होंगे स्लैब का, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि L/5 क्या है और किस तरह हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ उसकी जगह आप बेंड की जगह यहाँ पे L/5 की वैल्यू ली गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो बार्स हैं ये हम जब BBS कर रहे होंगे स्लैब का, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ एक्सेल में, ये देखें ये स्लैब है ना, इसका हमने BBS करना है, तो ये तमाम जितने भी हैं, एट वन एंड हमारे पास हुक है, फिर ये स्ट्रेट शेप है, तो ये तमाम यही बार्स हमारे पास यूनी है, बेंट अप बार्स ही यूज़ होनी है, ऑन शॉर्ट स्पेन, लॉन्ग स्पेन, दोनों स्पेन पे, ठीक है। तो हम यहाँ एक्सेल में इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता रहूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे लोगों तक शेयर करना इस चैनल को, और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करना है आपने दूसरे लोगों तक। और अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट नहीं विज़िट की, तो वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, academies.com, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनमें भी जाके इनरोल कर सकते हैं। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके करियर में वैल्यू ऐड करेगी, और नेक्स्ट वीडियो से हमने BBS स्टार्ट करना है स्लैब का, सो सी यू इन द नेक्स्ट।